Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. I hope you all are doing fine. And today I'm here with a beginner-friendly skincare routine for oily, acne-prone and combination skin type. तो मैंने past में भी काफी सारे skincare videos share किए हैं. उनकी playlist में यहाँ पे eye button में link कर दूँगी. तो आप उन्हें जरूर check out करना. It will be very very helpful. But आज मैं आप लोगों के साथ specifically share करने वाली हूँ. ऑयली एक्ने प्रोन एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए बिगिनर फ्रेंडली स्किन केयर रूटीन क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो बिगिनर्स हैं इन टू स्किन केयर एंड वेन इट कम्स टू एक्टिव यू गाइज गेट वेरी वेरी कन्फ्यूज कि कौन सा एक्टिव यूज़ करना है कितनी बार यूज़ करना एंड ऑल दैट स्टाफ सो टूडेज वीडियो इज गेरी वेरी सिंपल बेसिक थ्री स्टेप स्किन केयर रूटीन जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा एंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मी ओवर मंथ्स मतलब इट इज नॉट लाइक द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव बीन यूजिंग फॉर अ कपल ऑफ डेज बट द प्रोडक्ट्स दैट आई रियली हैव बीन यूजिंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई हैव बीन लविंग सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड बट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज टेक अ मोमेंट एंड हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो नाउ विदाउट एनी फर्दर ब्लैबरिंग

एंड मोस्टली मार्केट में जितनेलिक एसिड तो यू वुड हैव टू स्टार्ट अटल स्लो एंड टू सी विच प्रोडक्ट बॉक्स फॉर यू बट आज जो मैं आपके साथ प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ दैट इज गिस प्लम्स वन परसेंट इनकेटेड सालिस्लिक एसिड फोर्मिंग फेस वॉश इट इज अ फोर्मिंग फेस वॉश एंड इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो कर चुकी हूँ एंड दिस वॉज द बॉटल दैट आई वॉज यूजिंग बैक देन मैं लिंक कर दूंगी आई बटन में एंड आई हैवे अ न्यू बॉटल्स सो इट स्पीक्स फॉर इट सेल्फ क्योंकि मेरे पास इतने सारे फेस वॉशेज हैं ट्राई करने के लिए एंड इफ़ आई हैव अ सेकेंड बॉटल फॉर अ प्रोडक्ट इट मीन समथिंग सो दिस इज अ रियली रियली गुड प्रोडक्ट और इसकी बॉटल तो मैंने और मेरे भाई दोनों ने यूज करके खत्म कर दी थी इट इज सच अ गुड क्लेंजर बिकॉज वी बोथ आर ऑयली एक् स्किन टाइप्स इसमें वन परसेंट सैलिसलिक एसिड है एंड दैट टू इज इनकेप्सुलेटेड विच मीन्स जब तक ये आपकी स्किन को टच नहीं करता है इसका सैलिसलिक एसिड अनडिस्टर्ब फॉर्म में रहता है एंड दस इट मेक्स इट वेरी वेरी इफेक्टिव एंड बिकॉज इसमें वन परसेंट सैलिसलिक एसिड है इट इज परफेक्ट फॉर बिगिनर्स आप इसको डेली भी यूज कर सकते हो आई

तो टोनर आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा नेसेसरी होता है काफी लोग टोनर्स पे स्किप कर जाते हैं बट आई वुड रिकमेंड यू नॉट टू क्योंकि टोनर्स के काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं आपकी स्किन के लिए एंड द वन दैट आई हैव टू डे विद मी इज एन एल्कोहल फ्री टोनर क्योंकि अगर आप बिगिनर्स यू मस्ट मेक श्योर दैट नन ऑफ योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स कंटेन्स एल्कोहल बिकॉज इट विल जस्ट ड्राई आउट योर स्किन एंड इरिटेटेड इवन मोर सो द प्रोडक्ट दैट आई हैव विद मी टूडे इज दिस प्लम्स ग्रीन टी एल्कोहल फ्री टोनर एंड अगेन मैं इसकी एक बॉटल ख़त्म कर चुकी हूँ दिस इज द सेकेंड बॉटल आई रियली रियली लव दिस स्टोनर मैंने स्टोनर को सबसे पहले जो इसके ट्रैवल साइज आते हैं प्रोडक्ट्स उसमें ट्राई किया था और मुझे ये प्रोडक्ट बहुत 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 पसंद आया था इट इज अ वेरी वेरी क्विक अब्सॉर्बिंग टोनर सो दिस कंटेन्स ग्रीन टी विच इज अ गुड एस्ट्रिंजेंट जो कि आपके पोर्स को टाइटन करता है एंड इट गिव्स यू एन इवन टोन स्किन देन इट कंटेन्स ग्लाइकोलिक एसिड जो कि आपके डेड सेल्स को जेंटली एक्सफोलिएट करता है देन इट हैज ग्लिसरीन विच इज एन इमोलियन और वो आपके स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज करके रखता है सो इट इज अ वेरी वेरी गुड टोनर फॉर ऑयली स्किन टाइप क्योंकि ये आपके एक्ने होने से रोकेगा बिकॉज ग्रीन टी एंड ग्लाइकोलिक एसिड आर रिय रियली गुड इनग्रीडियंट्स फॉर ऑयली एक्टिंग कॉम्बिनेशन स्किन टाइप बट आई वुड रिकमेंड यू नॉट टू यूज इट जब आपको सिस्टिक एक्ने हो रखा है यह आपकी बहुत ज्यादा स्किन है बिकॉज वेन आई हैड लाइक सिवियर एक्ने ऑन माई फेस उस टाइम पे दिस प्रोडक्ट इरिटेटेड माई स्किन अ लिटिल विद तो मैंने इसको यूज करना छोड़ दिया था बट वॉन्स माई आउट आई वॉन्टेड टू गिव इट अ सेकेंड ट्राई एंड नाउ आई एम ऑन माई थर्ड बॉटल सो यू नो हाउ मच आई लव दिस प्रोडक्ट सो यू मस्ट चेक इट आउट इट रिटेल्स फॉर थ्री नाइनटी रुपीज फॉर टू हंड्रेड एम एल ऑफ प्रोडक्ट अगेन वेरी वेरी अफोर्डेबल बट आप इसको सेल वगैरह में पिकअप करोगे तो आपको और ज्यादा अफोर्डेबल ये पड़ जाएगा नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप सो द थर्ड स्टेप इज मॉइस्चराइजर एंड वेन आई सेट दैट आई एम गोना शेयर The products that I have been using and loving for so 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 long, I really meant it. I have this Plums Oil Free Green Tea Moisturizer. इसको जब मैं ट्रैवल करती थी उस टाइम पे यूज़ करती थी बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी कॉम्पैक्ट पैकेजिंग प्लास्टिक है तो बिल्कुल कभी भी लीक या कुछ ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ एंड वेनेवाई यूज़ टू यूज़ दिस प्रोडक्ट माई स्किन यूज़ टू लव दिस प्रोडक्ट बिकॉज जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ आई डोंट टेक वेरी एक्टिव बेस्ड प्रोडक्ट्स विद मी तो ये काफ़ी ज़्यादा थिन लाइट वेट और यू नो क्विक अब्जॉर्बिंग है और ये देखो कितनी जल्दी मेरी स्किन में, में अब्जॉर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा लाइट है एंड इसके इंग्रीडियंट्स अमेजिंग है अगेन बिकॉज इट हैज़ ग्रीन टी तो ये ऑयली स्किन के लिए तो बहुत

रियल बिट एक्सपेंसिव बट इसको आप सेल्स में पिकअप करो एंड डिस्काउंट कोड लगाओ तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा बट इट इज रियली रियली अ गुड प्रोडक्ट यू मस्ट ट्राई इट आउट वंस एंड आपको पता चल जाएगा कि व्हाई इट इज लव्ड बाय सो मेनी पीपल एंड बाय मी एज़ वेल सो या दीस वर द थ्री प्रोडक्ट्स जो मुझे बहुत-बहुत ज्यादा पसंद है इनफैक्ट जब मैं YouTube वीडियोस नहीं भी बनाती थी तब भी आई यूज टू लव प्लम का ग्रीन टी रेंज मेरा फेवरेट था आई यूज टू हैव लाइक द ट्रैवल साइज ऑल्सो अभी भी है मेरे पास सो वैन आई ट्रेवल आई कैरी दोज विद मी इट इज अ रियली रियली गुड रेंज बट उस रेंज के फेस वॉश से ज़्यादा मुझे ये वाला फेस वॉश पसंद है बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी जेंटल एंड वन परसेंट इनकेप्सुलेटेड सैलिसज़ जस्ट परफेक्ट फॉर बिगिनर्स तो मैं इसके साथ ट्रैवल भी कर लेती हूँ बिकॉज इट कीप्स माई स्किन हाइड्रेटेड एट द सेम टाइम सो अगर आपने अभी तक ये सारे प्रोडक्ट नहीं चेक आउट

Related questions i would love to answer them or if you want me to make a video on any certain topic leave that also in the comment box below i would love to address all your questions and yeah now i'll see you super super soon in my next video till then stay safe stay healthy bye bye